हेलो गुड मॉर्निंग, मैं दिश्य। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज का टॉपिक है जीनिया एंड मेटा जीनिया। आज हम लोग पढ़ेंगे जीनिया एंड मेटा जीनिया। जीनिया और मेटा जीनिया क्या होती है, ठीक है? जीनिया और मेटा जीनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि पढ़ने से पहले हम लोग भ्रूण पोष के बारे में जानेंगे, यानी कि जीनिया क्या है, मेटा जीनिया क्या है, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पे, यानी कि विकास के आधार पे। हम बताए थे आप लोगों को कि भ्रूण पोष का प्रकार विकास के आधार पे, क्या बताए थे ना, डेवलपमेंट के आधार पे। तो बताए थे केंद्रीकीय भ्रूण पोष क्या, और कोशिकीय भ्रूण पोष, और माध्यमिक या हेलोवियल भ्रूण पोष, बताए थे ना। भ्रूण पोष होती क्या है, यानी कि भ्रूण पोष एक उत्तक होती है। भ्रूण पोष क्या होती है, एक उत्तक होती है, एक टिश्यू होती है, जो भ्रूण को पालन पोषण देती है, यानी प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है। भ्रूण पोष क्या है, एक उत्तक है, एक टिश्यू है, जो भ्रूण को पालन पोषण देने का काम करती है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करती है भ्रूण को। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी जीनिया एंड मेटा जीनिया, जीनिया तथा मेटा जीनिया, ठीक है। लड़का साहब का बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, लगन भी चल रहा है, है कि नहीं, लगन चल रहा है, खूब बुनिया बुनी खा रहा है, उसको पता भी नहीं एग्जाम का टाइम है, ठीक है। तो कहने का मतलब समय भी खराब चल रहा है ना, ऐसे पहले कुछ दिन पहले देखते थे, आज से कुछ दिन पहले, यानी वो एक समय था जब कपड़े फट जाते थे तो लोग पहनते नहीं थे, क्या करते थे, फटा हुआ कपड़ा को लोग पहनते नहीं थे, क्या कहते थे कि फट गया है तो उसको सिलवा करके पहनते थे, क्या कहीं अर्जेंट कहीं जाना भी रहता था तो फटा हुआ पहन के नहीं जाते थे, जब तक नहीं सिलाया तब तक नहीं जाएंगे। आप देखिए क्या हो गया, क्या परिवर्तन हो गया, क्या चेंजिंग हो गया है, अब फटा हुआ चूज कर रहे हैं लोग, हाँ अब फटा हुआ चूज कर रहे हैं। अगर मॉल में जाते हैं लोग तो कहते हैं कि अच्छा क्या चाहिए, तो जींस चाहिए, तो कैसा, तो वो फटलका वाला निकालिए, और फटलका वाला के जानते हैं उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, प्राइस भी ज्यादा है। ये देखिए लोगों का सोच कितना चेंज हो गया है, अब फटलका पसंद कर रहे हैं, माने स्टाइल के पीछे लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है, माने कहा जाता है ना कि स्टाइल के पीछे लोग बर्बाद हो चुके हैं, पूरा बर्बाद हो चुके हैं, स्टाइल का कुछ नहीं दिखता। अब देखिए, अब कुछ लड़के लोग को देखे हैं, आते हैं नया नया, तो कोई कंफा लगाए हुए रहता है, तो कोई कनैली पहने हुए रहता, मैंने तरह तरह का स्टाइल के पीछे तो लोग बर्बाद हो चुका है। क्या स्टाइल, जो प्राकृतिक का जो फेस है, जो सुंदरता है, माने उसमें तरह तरह की, माने खुद से जो कर रहे हैं उसे सुंदरता बढ़ नहीं रही है और बिगड़ रही है। ये लोगों का सोच है, अपना अपना सोच है, ठीक है। तो पढ़ाई से मतलब लोगों को है नहीं, माने 80% जो है कैंडिडेट वो जो है अपना एंजॉय करते हैं, पढ़ाई के नाम पर एंजॉय करते हैं, अब ये नहीं देखते कि एग्जाम का टाइम है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे रिजल्ट अच्छा आएगी, ठीक है। तो वही सब बात है, गवर्नमेंट भी सबको सपोर्ट कर दे रही है ना, बस पढ़े या ना पढ़े, बस सबको पास करवा देना है, बस यही तो है। हाँ, 2 साल से लॉकडाउन लग रहा है, सबको पास करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चा पढ़ेगा क्या, बच्चे को तो मन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जीनिया एंड मेटा जीनिया, जीनिया तथा मेटा जीनिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जीनिया एंड मेटा जीनिया होती क्या है, ये भ्रूण पोष का कुछ लक्षण के आधार पर भ्रूण पोष है, क्या भ्रूण पोष के प्रकार है, टाइप्स है। जीनिया और मेटा जीनिया क्या है, यानी भ्रूण पोष का एक टाइप्स है, माने की प्रकार है, ठीक है। तो जीनिया के बारे में हम जानेंगे, जीनिया होती क्या है। तो भ्रूण पोष पर पराक्रमों के गुणों के प्रभाव को जीनिया कहते हैं, यानी कि भ्रूण पोष पर परागकणों के गुणों के प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। ए माने जीनिया किसमें देखी जा सकती है, इस प्रभाव को किसमें देखी जा सकती है, तो मक्का यानी कि मेज में देखी जा सकती है इसकी प्रभाव को। तो सबसे पहले जानेंगे भ्रूण पोष होती क्या है। भ्रूण पोष अभी हम बताए कि भ्रूण पोष क्या होती है, एक उत्तक होती है जिस पर परागकणों के गुणों के प्रभाव पड़ता है। तो परागकण होता क्या है, यानी कि परागकण जो होता है फ्लावर में मेल गैमेट होता है, यानी कि नर युग्मक होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए
सपोज दैट माना कि क्या है, ये भ्रूण कोष है, ठीक है, ये भ्रूण कोष है, तो भ्रूण कोष पर प्राकणों के प्रभाव, ये मान के चलिए कि ये क्या है, प्राकण है, इसको मान के चलिए प्राकण, ये क्या है, प्राकण, प्राकण है, ठीक है, और ये क्या है, भ्रूण कोष है, ये क्या है, भ्रूण कोष है, ठीक है। तो प्राकण का प्रभाव जो है, ये प्राकण है तो यहां से आएगा और ये अपना भ्रूण कोष पर प्रभाव दिखाएगा। माना कि सपोज दैट कि क्या है, प्राकण है यानी कि नलगुमक है, तो यहां से आएगा और ये भ्रूण कोष पर अपना जो भी इसका करैक्टर होगा, ठीक है, अपना प्रभाव डायरेक्टली किस पर पड़ेगा, भ्रूण कोष पर। माना कि समझने के लिए अगर मान लें कि प्राकण का कलर हरा है, प्राकण का कलर हरा है और ये भ्रूण कोष है, भ्रूण कोष है, इसका कलर, इसका रंग जो है क्या है, पीला है, क्या है, इसका रंग जो है पीला है, तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा। यहां से जैसे ही ये प्राकण जो है, नलिमक प्राकण आएगा, अब भ्रूण कोष अपना प्रभाव दिखाएगा, तो इसका जो रंग होगा हरा, वही रंग भ्रूण कोष का भी हो जाएगा, यानी कि अपना प्रभाव दिखाएगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। प्राकण जो है नलिमक है, ये अपना प्रभाव डालेगा किस पे, भ्रूण कोष पर, यानी कि एंडोस्पर्म पर। इसका जो भी कैरेक्टर होगा, इसका गुण होगा, वो सब गुण किसमें हो जाएगा, भ्रूण कोष में, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि प्राकण का सीधा भ्रूण कोष पर पड़ने वाले प्रभाव को हम लोग जिनिया कहते हैं, ठीक है, जिनिया हम लोग मक्का में देखा जा सकता है। अब आती है मेटाजिनिया, भ्रूण कोष के बाहर के काय उत्तक पर प्राकणों के प्रभाव को मेटाजिनिया कहते हैं, यानी कि भ्रूण कोष के बाहर के काय उत्तक पर प्राकणों के प्रभाव को मेटाजिनिया कहते हैं। मेटाजिनिया किसमें देखी जा सकती है, तो खजूर यानी डेट प्लांट में देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, यानी कि अभी भी हम बताए हैं कि भ्रूण कोष यानी कि एंडोस्पर्म के बारे में, तो एंडोस्पर्म जो होती है, इसमें प्रभाव यानी बाहरी उत्तक पर प्रभाव पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, बाहरी उत्तक पर। जैसे कि यहाँ जिनिया में जो था, क्या था, जिनिया में था कि भ्रूण कोष पर प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन यह मेटाजिनिया, तो मेटाजिनिया में बाहरी काय उत्तक पर प्रभाव पड़ेगा, किसका, प्राकण का। प्राकण में हम बताएं कि प्राकण क्या होती है, नलिकमक होती है, तो प्राकण का गुणों के प्रभाव पड़ेगा बाहरी काय उत्तक पर, ये बाहरी काय उत्तक है, ठीक है, तो बाहरी काय उत्तक पर किसका प्रभाव पड़ेगा, यानी प्राकण का प्रभाव पड़ेगा। माना कि प्राकण हरा रंग का है, ठीक है, तो इस अपना प्रभाव डालेगा इसके बाहरी काय उत्तक पर, तो इसका बाहरी सतह जो होगा, इसका जो गुण होगा, कैरेक्टर होगा, वैसा ही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग बोल सकते हैं जिनिया के बारे में, बोल सकते हैं कि प्राकणों के गुणों के प्रभाव कहाँ पड़ता है, गुण कोष पर पड़ता है, उसको हम लोग जिनिया कहते हैं, और बाहरी उत्तक पर प्रभाव पड़ेगा, उसको हम लोग मेटाजिनिया कहते हैं, ठीक है। मेटाजिनिया जो है हम लोग खजूर में देखा जा सकता है।